बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपनी छोटी ननद की कुछ सुंदर सुंदर ड्रेस हैं, मतलब रेडीमेड ड्रेस हैं, मतलब उन्होंने ली थी अपनी शादी के टाइम पर ली थी। तो मतलब मैंने अपनी ड्रेस है तो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी क्या है, ड्रेस कमी है, दो ही ड्रेस हैं। क्योंकि ज़्यादातर क्या है, मैं साड़ी ही पहनती हूँ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मतलब मुझे थोड़ा सा शौक हो रहा है कि मतलब शौक हुआ है कि मतलब साड़ी के अलावा भी कुछ पहना जाए, क्योंकि साड़ी पहनते पहनते बोर हो जाते हैं। और वैसे भी साल में इतने सारे त्यौहार आते हैं, जैसे करवा चौथ हुआ, मेनली तो करवा चौथ हुआ, और ऐसे एनिवर्सरी भी हो गया, और वैसे भी कुछ भी त्यौहार आते हैं, तो मतलब उन पर ड्रेस वगैरह पहनो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब अभी तो मेरे पास थोड़ा कम कलेक्शन है ड्रेसों का, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कर लूँगी। लेकिन आज मैं आपके मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी छोटी ननद की कुछ सुंदर सी ड्रेस है। तो आप इस ब्लॉग पर बने रहिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है लहंगा साड़ी, क्योंकि लहंगा साड़ी का क्रेज़ भी बहुत चला था कुछ टाइम पहले, और अब तो क्या है, आजकल तो वो वाली साड़ी चल रही हैं, रेडी टू वियर टाइप की साड़ी, क्योंकि मतलब उनमें ना प्लेट्स बनाने का वो झंझट और ना कुछ, मतलब 2 मिनट में साड़ी पहन जाती है। तो वैसी साड़ी भी उन्होंने ली थी अपनी शादी में, मतलब रेडी टू वियर, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है साड़ी। तो अभी जो मैं आपके साथ दिखा रही हूँ वो है लहंगा साड़ी। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसा है और कहाँ से लिया था और किस रेंज में आया था। तो चलिए, तो देखिए ये है लहंगा साड़ी और ये है इसका ब्लाउज़। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ब्लाउज़ की, इसकी डिज़ाइन वगैरह कैसी थी और इसको कैसे सिलवाया था। तो देखिए ये है लहंगा साड़ी का ब्लाउज़, तो मतलब जिस टाइप का लहंगा था ना, सेम उसी कलर का ब्लाउज़ था। तो ये है लहंगा और ये सेम इसी कलर का ब्लाउज़ था। तो मतलब ये ब्लाउज़ उन्होंने मतलब कपड़ा आया था ना, तो फिर उन्होंने यहीं से सिलवाया था, जिससे मतलब मैं अपनी साड़ी सॉरी ड्रेस वगैरह सिलवाती हूँ और ब्लाउज़ वगैरह, तो उन्हीं भाभी ने ये ब्लाउज़ भी सिला था। तो देखिए यहाँ पर इसके गले में क्या है कि रेड कलर का क्या है कि जो गोल्डन कलर है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर भी है, और इसकी चुन्नी जो है वो रेड कलर की है। तो फिर उन्होंने मतलब इसमें थोड़ी लेस लगवा दी थी, जिससे कि मतलब थोड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है रेड और गोल्डन का, और चुन्नी भी इसी कलर की थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि अच्छी भी लगेगी इस पर। और ये देखिए इस पर ये लटकन भी लगवाए थे, तो ये लटकन भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और लाल कलर के लटकन भी मिल गए थे, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं और हैवी भी है। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ऐसी डिज़ाइन डलवाई थी कि इस टाइप से ये डोरी लगवाई थी, क्योंकि नॉर्मल डोरी क्या है कि आजकल इसी टाइप में चलती हैं, या फिर आप साड़ी की भी बनवा लो, लेकिन उन्होंने थोड़ी क्या है चौड़ी पट्टी लगवाई थी, तो ये थोड़ा अच्छा लुक लगता है और थोड़ा हटके भी लगता है। तो इस हिसाब से देखिए इस ऐसी पट्टी आई थी, और यहाँ से मतलब एक इस साइड से एक डोरी थी, तो मतलब इन दोनों को ये बांध कर ये अच्छा लुक आता है फिर इसका पीछे गले का। इस टाइप से मैं आपको दिखाती हूँ इसको बांध कर, देखिए तो इस तरह से ये डोरी को बांधते हैं ना, तो इस तरह से ये लुक आता है। लेकिन क्या अभी थोड़ा सही से दिख रहा है, लेकिन जब इसको आप पहनते हो ना, और पहनने पर इसको जब बांधेंगे ना, तो इसका बहुत अच्छा लुक आता है पीछे से इसके गले का। और ये देखिए इसमें जो स्लीव्स लगवाई थी, तो स्लीव्स में ये डिज़ाइन डलवाई थी उन्होंने पफ वाली, क्योंकि पफ वाली डिज़ाइन उस टाइम पर बहुत चल रही थी और आज भी चल रही है ये तो, लेकिन क्या है कि उस टाइम पर तो इसका बहुत ही क्रेज था इस टाइप से मतलब, और ये बहुत अच्छी लगती हैं पहनने पर। और ये देखिए इस तरफ से आगे की डिज़ाइन है, तो आगे भी इन्होंने मतलब ये देखिए थोड़ी थोड़ी लेस लगवाई थी गोल्डन कलर की, ये साड़ी में मतलब इसमें लहंगे में नहीं थी, लेकिन ये उन्होंने अलग से लेकर लगवाई थी, तो इसके साथ ये पूरी तरह से मैच हो रही थी। यहाँ पर देखिए गले में भी लगी है थोड़ी थोड़ी, तो ये मतलब बहुत अच्छी लगती है लेस। और मतलब क्या है मेन बात तो ये थी कि इसका जो मतलब कॉम्बिनेशन था ना, तो इसके साथ ये पूरी तरह से सेट हो गई थी, तो और भी अच्छी लग रही थी। और मतलब ये पहनते हैं ना वैसे तो समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप इसको पहनोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं मतलब इसके आपकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी कि इसका पूरा पहनने पर कैसा लुक आता है इस मतलब पूरी साड़ी का, लहंगा साड़ी का। तो ये तो हो गया ब्लाउज़, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लहंगा। तो देखिए ये है इसका लहंगा, तो मतलब इसका जो लहंगा है ना ये बहुत अच्छा लगता है, और मेन बात किसी तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गोल्डन के साथ रेड कलर है, और इसकी चुन्नी भी देखिए रेड कलर की है ना, तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है पहनने पर। और उन्होंने मतलब मोर छठ पर पहना था तो बहुत सुंदर लग रहा था।
तो देखिए इसका मतलब घेर भी बहुत अच्छा आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि घेर में थोड़ी बहुत कम मतलब कम आया हो, लेकिन घेर भी इसका बहुत आया था। और इस पर देखिए नीचे बॉर्डर पर ये रेड कलर के फूल लगे हुए हैं, तो ये मतलब बहुत सुंदर लगते हैं पहनने पर। और जब इसको पहनते हो ना तो मतलब लगता नहीं है कि ये साड़ी है, ऐसे लगता है कि लहंगा ही हो। और ये देखिए इसमें मतलब ये जो पल्लू है ना इसका, ये मतलब ओढ़ने का जो चुनरी, तो इसमें इस तरह से ये ज्वाइंट है यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए ये फूल बना हुआ है। ये देखिए जो लटकन है ना, ये भी बहुत हैवी लटकन है, और ये वाला लटकन इसके साथ ही आया था, मतलब साड़ी के साथ ही, मतलब अलग से नहीं लेना पड़ा था इसको। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा लगता है पहनने पर। और इसकी जो चुन्नी का कलर है ना, मेन तो क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना तो कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। तो इसका जो मतलब रेड कलर की चुन्नी थी और गोल्डन कलर का लहंगा था, और ब्लाउज भी गोल्डन कलर का ही था, तो ये मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है पहनने पर भी। तो ये देखिए इस तरह से हो गया ये लहंगा, और ये देखिए इसकी चुन्नी, तो ये देखिए इसकी चुन्नी भी बहुत अच्छी है, मतलब इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटी पड़ रही हो। क्योंकि क्या होता है ना कि शादी के बाद थोड़ा क्या सिर पर भी डालना पड़ता है, तो इसकी मतलब लेंथ जो है ना वो परफेक्ट है, मतलब अच्छे से आ जाती है पिन लगाने पर भी, और मतलब इसको पल्लू डालने पर भी अच्छी लेंथ आ जाती है। और इसका देखिए ये बॉर्डर है ना, ये इस टाइप से इसका बॉर्डर है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। और इस ऐसी वाली डिजाइन ना जो धागों धागों की, तो ये बहुत प्यारी लगती है जब सिर पर आप उसको डालते हो ना। और इस चुन्नी का कपड़ा जो है ना, ये कपड़ा भी बहुत अच्छा है, थोड़ा चिकना चिकना सा कपड़ा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मतलब पहनने पर। तो देखिए इस तरह से ये हो गई चुन्नी इसकी। शेयर कर रही हूँ ये वाली जो ड्रेस है, तो मतलब इससे पहले जो मैं आपको दिखाई ना लहंगा वाली साड़ी, तो ये उन्होंने गुना से ली थी अपनी शादी के टाइम पर ही ली थी, और शायद ये 5-6 हज़ार की आई थी उस टाइम पर। अब तो शायद इसकी रेट मतलब पता नहीं कम हो जाए या ज़्यादा, लेकिन उस टाइम पर ये 5 या 6 हज़ार की आई थी। तो मतलब रेट के हिसाब से बहुत अच्छी साड़ी है, और मतलब पहनने पर भी बहुत अच्छी लगती है, और लहंगा और साड़ी दोनों का काम करती है ना। जैसे कहीं पर अब कोई फंक्शन है तो मतलब ये लगता है कि साड़ी कौन पहने, तो मतलब ये जल्दी से पहन लो, तो मतलब ये अच्छा लगता है इस तरह का आइटम। तो एक तो ये हो गई, और जो दूसरी वाली मैं ड्रेस जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मतलब एक गाउन है, तो वो ये वाली गाउन उन्होंने ली थी अशोक नगर से। तो और उन्होंने मतलब अपनी संगीत पर पहनी थी, मतलब शादी में जो संगीत हुआ था ना, तो उसमें इन्होंने वो ड्रेस पहनी थी। तो मतलब ड्रेस बहुत अच्छी है और बहुत महंगी भी है, तो रेट तो मैं इसकी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको इसको पहले दिखा रही हूँ कि कैसी ड्रेस है और किस हिसाब से मतलब लगती है ये। तो चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए ये है गाउन, और इसका कलर है मतलब ग्रे कलर है इसका, सिल्वर भी आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब जो कलर है थोड़ा लाइट कलर है, लेकिन ये बहुत हैवी गाउन है। मतलब ये देखिए इसमें कितने सारे अस्तर लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर इसमें कैन कैन भी लगी हुई है, जिसकी वजह से मतलब इसका वेट और ज़्यादा हो जाता है। मतलब क्या है कि अब जो रेडीमेड ड्रेस आती है ना, तो इसमें ये कैन कैन स्कर्ट वगैरह सब ये जॉइंट आता है ना, तो इससे इसका मतलब जो हैवी मतलब बहुत हैवी हो जाती हैं ये। और ये देखिए इसमें 3-4 अस्तर भी लगे हुए हैं, जिसके कारण मतलब ये बहुत हैवी लगती है मतलब पहनने पर, लेकिन जब इसको आप पहनते हो ना तो बिल्कुल डॉल जैसे लगते हो, मतलब बहुत सुंदर लगती है ड्रेस। तो ये देखिए इस तरह से इसकी मतलब डिजाइन वगैरह है, और यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर मतलब इसमें देखिए इस पर कितना सुंदर वर्क है मोतियों का, ये देखिए मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इस पर जो वर्क है ना बहुत अच्छा मतलब लगता है, और बहुत ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल होता है ना एक चीज़ की, ओरिजिनल है डुप्लीकेट सा नहीं है, तो इसी मतलब वही है कि ओरिजिनल से मतलब इसमें सारे नंग लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये देखिए, और ये जो ड्रेसें होती है ना, ये मतलब आजकल क्या है कि वैसे घर पर तो आप इनको वॉश कर नहीं सकते हो, मतलब ड्राई क्लीनिंग के लायक ही होती हैं। तो इसमें मतलब इसमें क्या है कि पहले वो नहीं आई थी स्लीव्स, मतलब स्लीव्स नहीं थी, ये सिर्फ हाफ शोल्डर ही था, लेकिन फिर क्या है कि जैसे मान लो ससुराल वगैरह में पहनना हो ना, तो फिर ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने इसमें स्लीव्स ज्वाइंट करवा ली थी। इस हिसाब से देखिए इसमें जो ग्रे कलर का नेट था ना,
तो मतलब इसमें मैचिंग के हिसाब से इसमें नेट ले लिया था, और इसमें ये देखिए इस तरह से कि ये थोड़ी सी बॉर्डर भी लगवा लिया था जिससे कि इसका मैचिंग हो जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि अलग से लगवाई हैं। तो इसके मतलब ये और क्या है कि स्लीव से भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि स्लीव से गंदी लग रही हूँ, इस पर स्लीव से बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस हिसाब से देखिए, और ये पीछे इसमें ये डोरी लगी हुई थी, तो ये तो मतलब वहीं से आई थी लगकर भी आई है। पीछे देखिए यहाँ से इसकी चुन्नी ज्वाइंट है, यहाँ से ये देखिए यहाँ से इसकी चुन्नी ज्वाइंट है, लेकिन इसकी चुन्नी मतलब इस मतलब ऐसी ही है डिज़ाइन के लिए है, मतलब इसका कोई यूज़ तो नहीं है वैसे, लेकिन क्या है कि जब उसको पहनते हो ना तो ये पीछे मतलब अच्छी लगती है इसकी चुन्नी। और जो इसकी चुन्नी का कपड़ा है ना सेम है, इसमें थोड़ी डिज़ाइन यहाँ पर भी आई है, ये इसके बीच में, यहाँ देखिए यहाँ से ये ज्वाइंट है। अब ये ऐसे में अच्छे से नहीं दिख रही है, लेकिन जब उसको पहनते हो ना तो देखिए यहाँ पर जो इसकी मतलब जैसे चुन्नी है ना इसके पीछे लगी हुई है वहीं पर, मतलब उसी कपड़े में ये थोड़ी सी डिज़ाइन यहाँ से मतलब ये यहाँ से ज्वाइंट होकर आई है, और यहाँ पर पीछे भी देखिए यहाँ पर ये ज्वाइंट है यहाँ से देखिए। तो ये मतलब पहनने पर मतलब इसका सही लुक आता है, वैसे तो इसमें देखने पर अच्छी नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन जब उसको पहनते हो ना तो ये साइड से इसका मतलब जो अच्छा आता है। तो इस तरह से ये हो गई ड्रेस, देखिए इस तरह से ये ड्रेस है, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ इसको मतलब लगाकर। तो देखिए इस तरह से ये मतलब पहनने पर आती है, इसकी स्लीव्स हो गई और ये इसकी चुन्नी हो गई, तो इस तरह से ये पीछे आ जाएगी इस तरह से। और ये देखिए इसका जो घेर है ना ये बहुत ज़्यादा घेर है इस तरह से देखिए, तो ये घेर बहुत ज़्यादा है इसका। और ये देखिए जो मैं आपसे ये डिज़ाइन का बोल रही थी ना, तो ये है इसकी जो डिज़ाइन है ना, यहाँ से ये आगे से ज्वाइंट है और ये पीछे देखिए यहाँ से ये पीछे भी ज्वाइंट है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है पहनने पर। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस हो गई है, बहुत हैवी है ना तो सही से पकड़ नहीं पा रही हूँ मैं इसको। ये देखिए इस तरह से इसका ये पूरा घेर है, तो ये पहनने पर बहुत अच्छी लगती है, वो कोई डॉल जैसी लगती है। तो मैंने तो मतलब इसको एक बार अब ट्राई भी नहीं किया है अभी, लेकिन मतलब छोटी दीदी ने की पहनी थी ना संगीत पर तो बहुत अच्छी लगी थी उन पर। ये आज मैंने आपके साथ शेयर की मेरी छोटी ननद की सुंदर सुंदर सी ड्रेस हैं, एक थी लहंगा साड़ी और एक थी गाउन, जो गाउन थी वो ली थी इन्होंने मतलब अशोकनगर से ली थी, और इसकी रेट आई थी मतलब आज से 2 साल पहले 14,000 की आई थी ये ड्रेस। तो ये मतलब पैसे इसका कलर थोड़ा लाइट है, लेकिन पहनने पर बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैंने अभी इसको एक बार ट्राई नहीं किया है, लेकिन उन्होंने पहना था ना तो बहुत अच्छी लग रही थी वो। आज के वीडियो को करते हैं पर एंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी ड्रेसें देखने को मिलें और ऐसे आइडिया भी मिले, जैसे कि मतलब आप ऐसी ड्रेसें ले सकते हो या ऐसी ड्रेस बनवा सकते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।